हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली रहने वाली है अपने मीटर के ऊपर, जो अपना ये मीटर अपना मॉडिफाई करा था, मतलब इसमें जो LED लगाई थी और ये जो अपने स्विमिंग में लाइट लगाई थी। अगर इसकी वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया उस वीडियो पर। तो इस वीडियो पर मतलब कि ये कमेंट ज़्यादा आ रहे थे कि भाई जो मीटर की लाइट है हमारी जो है बाइक स्टार्ट करने पर जल रही है, बैटरी पर कैसे चलेगी इग्निशन ऑन करने पर। तो ये वीडियो में मतलब कि मैं यही बताने वाला हूँ कि इग्निशन पे जो है मीटर की लाइट कैसे करनी है, जिससे हमारी कोई और लाइट हेडलाइट वगैरह ऑफ रहे और बाकी सिर्फ मीटर की लाइट जले। तो अभी जो है मैं यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, अगर आपका मीटर भी अगर आपको ऐसे इग्निशन पे करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी क्या सीन है, अभी जो है मैंने जो है हेडलाइट और अपना जो है इसमें से जो है ये सॉकेट और ये पार्किंग वगैरह जो है सब अलग कर लिए। उसके बाद जो है ये जो अपने जो है वायरिंग हार्नेस जो आ रही है, इसमें से हमने हमको क्या करना है, मीटर का जो है वो निकालना है सॉकेट। तो ये जो मीटर की वायर आ रही है ये ऊपर की तरफ से, या मीटर में से जो वायर आ रही है ये वाली, ये मोटी वाली जो वायर आ रही है ये वाली, ये मीटर में से आ रही है। तो इस मीटर के सॉकेट को निकालना है। तो इसमें से सॉकेट निकाल लेंगे, ये वायरिंग यहाँ आ रही है, ये आ रही है, ये मीटर की वायरिंग आ रही है पूरी, ये यहाँ से होती हुई पूरी ये वाली आ रही है वायरिंग यहाँ पे। तो इसमें क्या है, यहाँ से सॉकेट निकालना है ब्राउन वाला, ब्राउन सॉकेट मैं निकालता हूँ फिर आगे बताता हूँ। फिर सॉकेट मैंने ये निकाल दिया, ये वाला सॉकेट है, ये अपना जो है मेन जो है मीटर की वायर आ रही है, इसमें ये एक ही सॉकेट आपको मिलेगा और ये ब्राउन कलर का सॉकेट है। तो इस ब्राउन कलर के सॉकेट में से जो अपन को ब्राउन कलर की वायर निकालनी है। तो ये ब्राउन कलर की वायर एकदम कॉर्नर पे है यहाँ पे, ये वाली ये दिख रहा होगा आपको, ये ब्राउन कलर की वायर है स्काई ब्लू के बगल में एकदम कॉर्नर पे, ये वायर हमको निकालनी है। कहाँ की तरफ से निकालनी है, ये जो अपना मीटर का सॉकेट है, मतलब कि जो मीटर में से वायरिंग आ रही है यहाँ से पीछे से, ये जो अपनी वायरिंग आ रही है मीटर की तरफ से, इसमें से निकालनी है नीचे की तरफ से। तो यहाँ नीचे की तरफ से ये देख सकते हैं, ऊपर से वायरिंग आ रही है अपनी यहाँ पे और नीचे मैंने वायरिंग निकाल रखी है, ये अपना जो ये एकदम कॉर्नर वाली पिन है इसमें से वायरिंग निकाल रखी है ये भी। तो वायरिंग मैंने अलग कर ली और इस वायरिंग में जो है एक वायर का पीस लगा के, ये मैंने वायर का पीस इसमें अटैच कर रखा है, ये ब्लैक वायर जो दिख रही है ये मैंने टेप कर रखी है, इसी में फोकस में कर लेता हूँ। हाँ, तो ये जो है ब्लैक वायर मैंने इसमें टेप करके इसी के अंदर डाल रखी ताकि इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो। टेप आपको कोई भी कनेक्शन अगर बाइक में करते हैं, चाहे वो लाइट की हो या किसी भी चीज़ की हो, अगर वायरिंग आप करते हैं तो आपको टेप जो है या फिर जो है उस पर जो है ऐसे एक स्लीव टाइप की जो आती है, मतलब कि हीट सिंक या जो है स्लीव वगैरह, उसको कुछ लगानी है ताकि वायरिंग वगैरह शॉर्ट ना हो। तो इसमें जो है ये वायर मैंने कनेक्ट कर लिया वायर ब्लैक वाली, और ये ब्लैक वायर आपको लगानी है ब्लैक सॉकेट में। ब्लैक सॉकेट मीन्स ब्लैक कलर की वायर का एक सॉकेट होगा, उसमें आपको इसकी जो है डायरेक्ट कनेक्शन कर देने हैं। उससे क्या है, आपके जो है इग्निशन पे कनेक्शन हो जाएंगे, मतलब जैसे ही आप चाबी ऑन करेंगे तो उसके कनेक्शन जो है प्रॉपर चाबी पे हो जाएंगे, बैटरी कनेक्शन मीटर के हो जाएंगे। चाबी ऑन करते जो है आपका मीटर की लाइट जो है वो उसमें आ जाएगी। तो ये समझ में आ गया इतना। अब जो है मैं पूरा पैक कर लेता हूँ और मीटर की लुक एक बार दिखा देता हूँ कैसी है। तो फ्रेंड्स, वाइजर वगैरह मैंने पैक कर लिया है और हेडलाइट वगैरह भी मैंने पूरी पैक कर दी है। अब जो है इग्निशन ऑन करेंगे और अपनी जो है इग्निशन में लाइट आ जाएगी की ऑन करते ही। अगर मीटर की जो कस्टमाइज जो मैंने मीटर कर रखा है और ये जो स्विमिंग लाइट है, अगर इसकी वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, काफ़ी सपोर्ट रहा है उस वीडियो पे आपका, तो जाओ और देखो। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी वीडियो अपने मीटर के DC कनेक्शन के ऊपर। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना आने वाली मॉडिफिकेशन की वीडियोज़ के लिए। तो इस जो बाइक है स्प्लेंडर अपनी BS6, इसको जो है मैं पूरी कस्टमाइज़ करने वाला हूँ, मतलब कि पूरी इस पर जो है मतलब कि कस्टम रैप करके और इस पर जो है ग्राफिक्स वगैरह का काम होने वाला आने वाली वीडियोज़ में, और जो है फॉग लाइट वगैरह भी डुअल टोन वाले फॉग लाइट जो आते हैं वो भी इसमें इंस्टॉल होने वाले हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मॉडिफिकेशन के वीडियोज़ देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, जल्दी मिलते हैं एक और नई मॉडिफिकेशन के वीडियो के लिए। तब तक के लिए राइड सेफ।